आज का जो हमारा टॉपिक है वो किडनी फंक्शन टेस्ट पे है। जस्ट लाइक द लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिवर का जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा था और उसके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको इनलिस्ट किया था सिंपली। और उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर लिवर में कोई डिजीज़ है तो वो कौन कौन सी टाइप की डिजीज़ हो सकती है, और उस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए सीरम में कौन कौन से बायोमार्कर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो जस्ट लाइक द लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट को भी हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय कंसीडरिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और इसके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको इनलिस्ट करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से किन किन पैरामीटर्स को देखते हुए किडनी का एक नॉर्मल फंक्शन जो है वो उसको असेस कर सकते हैं। सो किडनी वी ऑल नो कि इसका जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों के सामने नेफ्रॉन का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी दिखाया गया है कि इसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने के लिए यूज होते हैं। अब समटाइम्स आपके ये जो दो सिस्टम्स हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, इन एडिशन टू दी वेस्ट मटीरियल, ये बॉडी के कुछ यूजफुल मॉलिक्यूल्स को भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं और उसको यूरिन में भेज देते हैं। इट मींस कि ये यूरिन जो सैंपल है, इस यूरिन सैंपल के अंदर प्रेजेंट एनालाइट से भी आपको किसी डिजीज्ड कंडीशन का आइडिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल डायबिटिक जो पर्सन होते हैं उनके अंदर यूरिन सैंपल को देखा जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। इट मींस कि नॉर्मली आपके पास ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये ग्लूकोज को फिल्टर करके यूरिन में नहीं भेजता, बल्कि मैक्सिमम ऑफ ग्लूकोज को ये क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है। बट अगर आपके पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और उस ग्लूकोज की एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन की वजह से आपकी किडनी का स्ट्रक्चर भी कुछ हद तक इफेक्ट हुआ हुआ है, तो डेफिनेटली अब ये ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करने की बजाय क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। सो थ्रू आउट दिस चैप्टर हम लोग किडनी की रीअब्सॉर्प्शन और इसकी जो एक्सक्रीशन की एबिलिटी है इसको कोरिलेट करेंगे कि किस मॉलिक्यूल को इसे रीअब्सॉर्ब करना था और इसने एक्सक्रीट कर दिया, और किस मॉलिक्यूल को इसने कितनी अमाउंट में एक्सक्रीट करना था, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो है एक्चुअली वो नेफ्रॉन से हम लोग देखते हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखते हुए, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए हम क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट जो आप कह लें इंटरप्रिटेशन हैं वो कर सकते हैं ऑन यूरिन सैंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेसिक टू कंपोनेंट्स जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाए गए हैं नेफ्रॉन के, इसमें एक आपके पास आता है ग्लोमेरुलर पोर्शन, ठीक है, जो कि एक्चुअली ब्लड वेसल से या आपके प्लाज्मा सैंपल से कुछ मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है और उनको फिल्टर करके कहाँ पे लेके आता है, किडनी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज ट्यूब्यूल पोर्शन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअली ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको ये जूम इन करके दिखाया गया इधर ग्लोमेरुलर पोर्शन। सो द फर्स्ट पोर्शन इज ग्लोमेरुलर पोर्शन जो कि आपके प्लाज्मा सैंपल से कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को फिल्टर करता है और उनको फिल्टर करते हुए अल्टीमेटली कहाँ पे ले आता है, इन ट्यूब्यूल्स तक लेके आएगा। सो द फर्स्ट पार्ट इज ग्लोमेरुलर पार्ट, इसका मतलब है कि यहां पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर उन सब मॉलिक्यूल्स को जिनको ब्लड में से पिक करके ट्यूब्यूल्स तक लाना इस ग्लोमेरुलस का फंक्शन था, ये वो फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं करता, इसका मतलब है कि इस केस में आपके पास जो है वो यूरिन सैंपल के अंदर कुछ नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जरूर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यानी एक चेक एंड बैलेंस आपका यहाँ ग्लोमेरुलर फंक्शन के ऊपर है कि किडनी उन मॉलिक्यूल्स को भी यहाँ से फिल्टर करवाना शुरू हो गई है जिनको नॉर्मली प्लाज्मा में प्रेजेंट होना था। एक एग्जांपल आप ले लो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन का फंक्शन प्लाज्मा में है, लेकिन ग्लोमेरुलर जो है ग्लोमेरुलर सेल्स ये प्लाज्मा में से अगर उस एल्ब्यूमिन को फिल्टर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि अब ये एल्ब्यूमिन नेक्स्ट पार्ट ऑफ किडनी या नेफ्रॉन यानी ट्यूब्यूल्स तक जाएगी, और अब सारी की सारी ड्यूटी किसके ऊपर आ गई है, ट्यूब्यूल्स के ऊपर आ गई है। नेक्स्ट आपका जो चेक एंड बैलेंस होगा वो सेकंड पार्ट के ऊपर होगा, एंड दिस पार्ट इज ट्यूब्यूलर पोर्शन। अगर इन ट्यूब्यूल्स ने भी इस एल्ब्यूमिन को फिल्टर ना किया, उसको रीअब्सॉर्ब ना किया,
तो ये एल्ब्यूमिन अल्टीमेटली बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होके यूरिन में रिलीज हो जाएगा। सो ये चीज आपने याद रखनी है कि किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर हम हमेशा इन दोनों पोर्शंस, इन दोनों एक्टिव पोर्शंस के जो ऊपर चेक एंड बैलेंस है इनको अप्लाई करेंगे, इनकी जो एबिलिटीज हैं फिल्टर करने की, रीअब्सॉर्ब करने की एबिलिटीज, इनको हम कोरिलेट करेंगे एक नॉर्मल किडनी के साथ, एक डिजीज पर्सन की किडनी को कोरिलेट करेंगे। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि हम किसी पर्सन का जो किडनी फंक्शन टू पैरामीटर्स की बेस पे हम असेस कर सकते हैं, उसकी किडनी की फंक्शनिंग को टू पैरामीटर्स की बेस पे चेक कर सकते हैं। पहला है उसका ग्लोमेरुलर फंक्शन, ठीक है, और दूसरा है आपके पास ट्यूब्यूलर फंक्शंस। यानी इन दो फंक्शंस को आप देखते हुए बता सकते हो कि क्या पर्सन जो है वो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स को एक्सक्रीट कर रहा है या कुछ जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी उसके सैंपल में एक्सक्रीट होना शुरू हो गए। ओके, अब यहाँ से तो हमने स्ट्रक्चर देखा है कि किडनी का जो एक नेफ्रॉन है जो फंक्शनल पोर्शन है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नॉर्मली किसी मॉलिक्यूल की रीअब्सॉर्प्शन या उसकी एक्सक्रीशन में यूज होते हैं, और हमने दो जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको यहाँ पे अंडरलाइन किया, ग्लोमेरुलर पोर्शन और ट्यूब्यूलर पोर्शन, कि ये किसी भी मॉलिक्यूल की एक्सक्रीशन या रीअब्सॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है इनको ऑल द वे बिल्कुल ठीक काम करना है। अगर इनमें से किसी एक की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई तो कुछ एबनॉर्मल मॉलिक्यूल्स बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और उन एबनॉर्मल मॉलिक्यूल्स की इस यूरिन सैंपल के अंदर प्रेजेंस हमें किसी डिजीज को पिक करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, उसकी इंटरप्रिटेशन में जो है वो हेल्प आउट करेगी। अब किडनीज के नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं? ऑब्वियसली जब तक आपको नॉर्मल फंक्शंस का नहीं पता, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स का नहीं पता जिनको किडनी ने एक्सक्रीट करवाना है और जिनको किडनी ने रीअब्सॉर्ब करवाना है, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये कंडीशन एबनॉर्मल है और ये नॉर्मल है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किडनीज के नॉर्मल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, उनको एनलिस्ट करेंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू रेगुलेट द वॉटर बैलेंस, यानी आपकी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ वॉटर को कंट्रोल करना, ठीक है, यानी अगर आप हाइड्रेटेड कंडीशन में हैं, आपकी बॉडी के अंदर सिग्निफिकेंट वाटर आपने इनटेक किया हुआ है, तो आपकी बॉडी की नीड्स के मुताबिक जितना वाटर जरूरी है वो वहां पे रहेगा और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो यूरिन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो जब आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर है, आप फुली हाइड्रेटेड कंडीशन में हैं, तो मोस्ट ऑफ द वाटर आपका जो है वो यूरिन की फॉर्म में रिलीज भी हो सकता है, बिकॉज बॉडी की अपनी नीड्स के अलावा एक्स्ट्रा जितना होगा वो यूरिन में रिलीज हो जाएगा। एंड सिमिलरली जब आप डिहाइड्रेटेड कंडीशन में हैं, जब आपने वाटर का इनटेक बहुत कम किया है, तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर आपके यूरिन में रिलीज होगा, बिकॉज आप ऑलरेडी वाटर का इनटेक नहीं कर रहे और जितना वाटर इस टाइम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो उसके लिए जरूरी है, वो उसके लिए क्रूशियल है, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म। जब आप डिहाइड्रेटेड कंडीशंस में होंगे तो उस टाइम पे आपके यूरिन के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगी, लेस, और जब आप हाइड्रेटेड कंडीशन में है तो उस टाइम आपके यूरिन के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगी, हाई होगी। और कंपैरेटिवली अगर हाई वाटर कंटेंट होगा तो इसका मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्ट लो होगी, बिकॉज जितना ज्यादा वाटर होगा उसका मतलब है उतना ही वो उस सॉल्ट को क्या कर देगा जो यूरिन में है, डाइल्यूट कर देगा, और जितना कम वाटर आपके पास होगा, सपोज नंबर ऑफ सॉल्ट सेम है, सो इस केस में आपका ये यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। सो ये चीज माइंड में रखनी है कि हाइड्रेटेड कंडीशन में आपके पास जो डाइल्यूट यूरिन है ये प्रोड्यूस होता है, बिकॉज उस टाइम पे आपके यूरिन के अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है, और डिहाइड्रेटेड कंडीशन में आपके पास जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसमें वाटर की अमाउंट कम होने की वजह से उस यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ज्यादा, वो कंसंट्रेटेड यूरिन होगा जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंपैरेटिवली आपको ज्यादा लगेगी। इट कुड बी द सेम, सेम भी हो सकती है दोनों सैंपल्स के अंदर, लेकिन वाटर के कम ज्यादा होने की वजह से एक आपको डाइल्यूट लग रहा है और दूसरा कंसंट्रेटेड लग रहा है। वाटर को रेगुलेट करने के साथ साथ
किडनीज का एक और फंक्शन भी है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स की अमाउंट को भी रेगुलेट करती है, लाइक सोडियम पोटाशियम इनकी रीअब्सॉर्प्शन, इसी तरह से कैल्शियम फॉस्फेट जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि नॉर्मली ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसेंट्रेशन इन बॉडी, अगर तो बॉडी के पास उनकी अच्छी खासी कंसेंट्रेशन है आपकी डाइट के अंदर, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपने इनटेक उनका किया है किसी भी सोर्स से, उस टाइम पे उनकी जो एक्सक्रीशन है वो यूरिन के अंदर होगी, बट द मोमेंट जब आपके पास इन इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर ऑलरेडी कम है और आप उसका इनटेक भी नहीं कर रहे, तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या होंगे, रीअब्सॉर्ब होंगे। ये कॉमन सी बात है ना कि जितना आप जो है वो लेस अमाउंट में कोई मटेरियल इनटेक कर रहे हो तो बॉडी कोशिश करेगी कि जो ऑलरेडी उसके पास है उसको एक्सक्रीट ना होने दे, बल्कि उसको मैक्सिमम क्या करे, रीअब्सॉर्ब करे। और ये कैसे होता है इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। देन एसिड बेस बैलेंस, कि आपकी जो किडनीज हैं वो समटाइम्स एज अ बफर सिस्टम भी एक्ट करते हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ एसिड और अमाउंट ऑफ बेस इसको भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी आपके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एसिडिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है या कोई बेस है, तो बजाय इसके कि वो ब्लड की पीएच को डिस्टर्ब करे, आपकी किडनीज जो है उसको न्यूट्रलाइज करके क्या करती हैं, एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो एसिडिक एंड बेसिक प्रोडक्ट्स को भी रिलीज करवा के बॉडी की पीएच को क्या करती हैं, एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर मेंटेन रखती हैं। ये किडनीज का एक और फंक्शन है। नाउ नॉर्मली हम ये कहते हैं कि किडनीज जो हैं वो प्रोटीन प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट नहीं करती मोस्ट ऑफ द टाइम, बट देयर आर सम प्रोटीन्स जो कि नॉर्मली भी किडनी जिनको क्या करती है, एक्सक्रीट करती हैं। ऑब्वियसली ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बॉडी के लिए यूजलेस हैं, जो कि अल्टीमेटली एक्सक्रीट होनी है। जैसे एक आपके पास नाइट्रोजिनस वेस्ट है यूरिया, ठीक है, सिमिलरली यूरिक एसिड, और एक प्रोटीन है क्रिएटिनिन। ये ऐसी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में भी बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करवाने के लिए क्या होती हैं, यूरिन का पार्ट बन के एक्सक्रीट आउट होती हैं। सो दीज आर द नॉर्मल प्रोटीन्स और द नॉर्मल न्यूक्लिक एसिड्स जो कि किडनी यूरिन में सिक्रीट करता है, जिनको जो कि यूरिन का पार्ट है या किडनी से ये एक्सक्रीट आउट होती हैं। बट इनके अलावा अगर कोई प्रोटीन एक्सक्रीट होती है तो वो फिर इसका मतलब है कि उस केस में आपकी जो किडनीज हैं वो सिलेक्ट नहीं कर पा रही, ठीक है। सिलेक्टिवली वो सिर्फ इन प्रोटीन्स को या इन न्यूक्लिक एसिड को सिक्रीट करती हैं, बट अगर सपोज एल्ब्यूमिन को भी वो यूरिन में सिक्रीट करना शुरू कर रही हैं, इसका मतलब है कि जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो डिस्टर्ब हो गया है, कि वो कुछ नॉन स्पेसिफिक या कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स को भी यूरिन में एक्सक्रीट करना शुरू हो गई है, ठीक है। सो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, नॉर्मल कौन कौन सी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड को ये एक्सक्रीट करवाती है, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि अगर इनके अलावा कोई और प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड एक्सक्रीट होगा तो इट विल बी एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स। एंड लास्ट वन इज एंडोक्राइन ऑर्गन। किडनी कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। जैसे आपको पता है कि इसके इनर मेडुला के अंदर या कॉर्टेक्स के अंदर कुछ जो है वो आपके पास हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ जो मशीनरी प्रेजेंट होती है। जैसे आप नॉर्मली ये चीज़ देखते हैं कि किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है ये भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इस एड्रीनल ग्लैंड के साथ साथ जो किडनी का अपना जो कॉर्टेक्स है या मेडुला, ये भी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जिसमें आपके पास एग्जांपल आ सकती है एपिनेफ्रीन की, नॉरएपिनेफ्रीन की, ठीक है, कॉर्टिसोल। ये कुछ हार्मोन्स हैं जिनको कौन प्रोड्यूस करता है, किडनी के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। सो दीज आर द सम नॉर्मल फंक्शंस ऑफ किडनी। अब जो एंडोक्राइन फंक्शन मैंने आप लोगों के सामने सबसे लास्ट पे डिस्कस किया है, बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। ओके, अब जो लास्ट में मैंने आप लोगों के सामने एंडोक्राइन फंक्शन डिस्कस किया है कि समटाइम्स किडनी के सेल्स कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड एंडोक्राइन मीन्स कि ये हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट कर सकते हैं,
ये चीज पता है ना सबको कि आपके पास हार्मोन्स की फर्दर थ्री टाइप्स होती हैं, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन. सो यहाँ पे किडनी जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो एंडोक्राइन इन नेचर होते हैं. इट मीन्स दीज हार्मोन्स कैन बिकम द पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स और यहाँ से थ्रू आउट द बॉडी बाकी सेल्स में क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं इन ब्लड वेसल्स के थ्रू. यानी ये हार्मोन्स का प्रोड्यूसर भी है और दूसरी तरफ देयर आर सम हार्मोन्स जो कि किसी और ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं. सपोज देयर इज अनदर ग्लैंड बी, हाइपोथैलेमस आप कंसीडर कर लो, पिट्यूटरी कंसीडर कर लो, यहाँ से कुछ हार्मोन्स एंडोक्राइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं. ये हार्मोन्स ब्लड वेसल्स के थ्रू किडनी तक आते हैं और अल्टीमेटली ये किडनी पे इफेक्ट भी कॉज करते हैं. ठीक है, सो किडनी कुछ हार्मोन्स का प्रोड्यूसर भी है और इसी तरह से देयर आर मल्टीपल हार्मोन्स जो कि किडनी पे आके इफेक्ट भी कॉज करते हैं. यानी आप ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली इट इज अ टारगेट साइट फॉर मैनी हार्मोन्स. जस्ट एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि किडनी अमाउंट ऑफ वाटर को रेगुलेट करता है. यानी कुछ कंडीशन में वाटर की ज्यादा अमाउंट यूरिन में सिक्रीट कर देता है और कुछ कंडीशन में कम अमाउंट में वाटर को यूरिन में सिक्रीट करता है. बट किडनी को कैसे पता चलता है कि इस टाइम मैंने कम वाटर यूरिन में भेजना है या ज्यादा वाटर यूरिन में भेजना है? देयर आर सम हार्मोन्स जो कि किडनी पे आके एक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि नाउ इस टाइम बॉडी का जो वाटर होमियोस्टेसिस है उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा वाटर को रिलीज करवाना है. बिकॉज देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी, सो ज्यादा क्वांटिटी में वाटर एक्सक्रीट करने की जरूरत है. एंड सिमिलरली देयर आर सम हार्मोन्स जो कि लो वाटर कंडीशन में आके किडनी को बताएंगे कि दिस इज द टाइम जब वाटर की कंसेंट्रेशन या अमाउंट बॉडी में ऑलरेडी कम है, सो यूरिन में ज्यादा वाटर भेजने की जरूरत नहीं. ठीक है, वाटर होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए यूरिन में लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है. सो देयर आर मैनी हार्मोन्स जो कि किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास जो वैसोप्रेसिन है ये बताया गया है कि पोस्ट पिट्यूटरी इसको प्रोड्यूस करती है और ये आके किडनी के ऊपर एक्ट करता है और इसका फंक्शन क्या है, ये वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है. ठीक है, वैसोप्रेसिन. सिमिलरली आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें पैराथायराइड हार्मोन्स हैं और इन पैराथायराइड हार्मोन्स का क्या फंक्शन है कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे. यानी जब आपके ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर, ये सपोज आपके पास ग्लोमेरुलस है और इस ग्लोमेरुलस से नेक्स्ट आपके पास जो पोर्शन है दिस इज ट्यूब्यूलर पोर्शन. सो जैसे ही आपके पास जो सैंपल है प्लाज्मा सैंपल जिसको इस ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया और ट्यूब्यूलर पोर्शन में आ गया, यहाँ पे जब ये सैंपल आएगा तो इसमें से कैल्शियम और फॉस्फेट्स को कितनी अमाउंट में यूरिन में भेजना है ये कौन डिसाइड करवाएगा? पैराथायराइड हार्मोन, डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन प्लाज्मा. अगर तो कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो उस केस में ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा जो है वो यूरिन में भी आ जाएगा, लेकिन अगर कंसेंट्रेशन कम है तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब होगा और यूरिन में कंसेंट्रेशन कम होगी. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एड्रीनल कॉर्टेक्स के कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं आपके पास जो एड्रीनल ग्लैंड ने प्रोड्यूस किए और वो फिर आपके पास अल्टीमेटली आके किडनी पे वर्क करेंगे. जैसे एक हार्मोन है एल्डोस्टीरोन जो कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है. कितनी अमाउंट में सोडियम जो है वो प्लाज्मा से कहाँ पे जाएगी, यूरिन में जाएगी, इसको कंट्रोल करने के पीछे कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टीरोन. सो ये चीज माइंड में आपने रखनी है कि देयर आर मल्टीपल हार्मोन्स जो कि किडनी के ट्यूब्यूलर फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. ज्यादातर ये रीअब्जॉर्प्शन को ही देख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये कौन से सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स के सेल्स के ऊपर. सो किडनी का जो ट्यूब्यूलर फंक्शन है, जो सेकंड फंक्शन है, एक हमने ग्लोमेरुलर फंक्शन कहा था और दूसरा फंक्शन हमने डिस्कस किया था ट्यूब्यूलर फंक्शन. ग्लोमेरुलर फंक्शन इज ओनली टू फिल्टर प्लाज्मा और ट्यूब्यूलर फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन. कितनी चीज, कौन सी वो इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, वाटर है, कितना रीअब्जॉर्ब होगा और कितना एक्सक्रीट होगा, ये कंट्रोल करते हैं ट्यूब्यूलर सेल्स.
और ट्यूब्यूलर सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए देयर आर मल्टीपल एंडोक्राइन हार्मोन्स, ठीक है, जो किडनी के सेल्स पे एक्ट कर रहे हैं. अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास जो किडनी के सेल्स हैं, लाइक यहाँ पे ये बताया गया है कि देयर आर मल्टीपल हार्मोन्स जो कि डिफरेंट ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और किडनी के सेल्स के ऊपर ये एक्ट करते हैं. बट आप ये भी देख रहे हो कि देयर आर सम हार्मोन्स जिनको किडनी सेल्स प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये कुछ हार्मोन्स का प्रोड्यूसर भी है और कुछ हार्मोन्स इसको एज अ टारगेट साइट लेते हुए इसके ऊपर एक्ट भी करते हैं. सो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि किडनी के सेल्स प्रोड्यूस करवाते हैं? इसमें पहला हार्मोन है आपके पास एरिथ्रोपोएटिन. ये हार्मोन हमने लिवर फंक्शन टेस्ट में भी पढ़ा था कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके अंदर एरिथ्रोपोएटिन लिवर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आफ्टर एडल्टहुड आपके पास जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर एरिथ्रोपोएटिन जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? किडनी के सेल्स में प्रोड्यूस होता है. और इस एरिथ्रोपोएटिन का फंक्शन क्या है? RBCs की प्रोडक्शन का जो पाथवे है विच इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस, उसको ये कंट्रोल करता है. यानी कितने RBCs और कब उनकी प्रोडक्शन होनी चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक हार्मोन है, एंड दिस हार्मोन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी सेल्स, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली बोन मैरो सेल्स पे जाएगा और वहां पे जाके एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करेगा. जितनी जरूरत है उतनी एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा और बाकी को रोक देगा. हार्मोन है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, जो कि कोलेस्ट्रोल की बायोसिंथेसिस में, सॉरी विटामिन डी की जो बायोसिंथेसिस है फ्रॉम कोलेस्ट्रोल. हम नॉर्मली ये कहते हैं ना कि जब आपके जो स्किन के सेल्स हैं उनके ऊपर सन लाइट जो है वो फॉल करती है तो उस सन लाइट की वजह से विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है. सो यहाँ तक हम लोगों ने फाइनल किया है किडनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने दो पोर्शंस को टारगेट किया है. ग्लोमेरुलस, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा को फिल्टर करके ट्यूब्यूल्स में लाना है. एंड देन वी हैव ट्यूब्यूलर पोर्शन, जिसका काम जो है वो रीअब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन को कंट्रोल करना है. और हमने ये चीज देखी है कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको नॉर्मली किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है, जिनको नॉर्मली किडनी एक्सक्रीट करती है, और इनके अलावा अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो एक्सक्रीट होगा तो इट विल बी एबनॉर्मल. और उसके बाद हमने किडनी के कुछ एंडोक्राइन जो फंक्शंस हैं उनको इनलिस्ट किया. नाउ फंक्शन तो हमें पता चल गया कि ग्लोमेरुलर ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है और ट्यूब्यूल्स ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है. बट द क्वेश्चन इज कि हम कैसे इस बात का पता चला सकते हैं कि ग्लोमेरुलर ठीक काम कर रहा है और ट्यूब्यूलर पोर्शन ठीक काम कर रहा है. इज देयर एनी वे टू असेस द फंक्शंस ऑफ ग्लोमेरुलस पोर्शन एंड ट्यूब्यूलर पोर्शन? तो यस, आपके पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप ग्लोमेरुलर फंक्शन और ट्यूब्यूलर फंक्शंस को क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो कि वो ठीक हो रहे हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है. सो किडनी का नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल फंक्शन पढ़ने के बाद अब हम देखने जा रहे हैं कि हम ग्लोमेरुलर फंक्शन और ट्यूब्यूलर फंक्शन को किस तरह से असेस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट अ डिजीज्ड पर्सन फ्रॉम हेल्दियर वन, ठीक है. सो स्टार्ट हम लेंगे फ्रॉम ग्लोमेरुलर पार्ट, ग्लोमेरुलर फंक्शन, कि इसको किस तरह से देखा जाता है और इसको किस तरह से असेस किया जाता है, ठीक है. अब यूरिन फॉर्मेशन, जो कि ऑब्वियसली किडनी का मेन फंक्शन है, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी मॉलिक्यूल बॉडी से एक्सक्रीट होने हैं वो किसका पार्ट बनते हैं? यूरिन का. सो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली यूरिन फॉर्मेशन जो है ये किडनी का मेन फंक्शन है. और यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप क्या है कि ये जो ग्लोमेरुलर पार्ट है, लाइक अगर किडनी का ये आप स्ट्रक्चर इस तरह से माइंड में रखें तो ये पहला पार्ट है जो कि ब्लड वेसल से मॉलिक्यूल्स को फिल्टर करेगा और यहाँ से अल्टीमेटली इसको इस पोर्शन ट्यूब्यूलर पोर्शन की तरफ लेके आएगा. ये आपके पास सेकेंड पार्ट है और यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी, ठीक है. सो ये थ्रू आउट द बॉडी आपके पास जितनी भी जो वेस्ट मटेरियल है वो इस प्लाज्मा के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से पार्ट के पास पहुंचेगा? ग्लोमेरुलर पार्ट के पास. और ग्लोमेरुलर पोर्शन क्या करेगा?
कि जो प्लाज्मा इस टाइम इस ब्लड वेसल में से या इस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में से गुजर रहा है, जो पोर्शन ऑफ ब्लड, उसको फिल्टर करेगा. फिल्टर इन अ सेंस कि उसमें से डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, इनिशियली कुछ मॉलिक्यूल्स को फिल्टर करना शुरू कर देता है, जैसे वाटर को फिल्टर कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, इसी तरह से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल्टर कर देता है. यानी जो जो मॉलिक्यूल्स उस टाइम उन ब्लड वेसल्स को लगता है कि ये एज अ वेस्ट ट्रीट होने चाहिए, उन सबको ग्लोमेरुलर ने सेलेक्टिवली यहाँ से क्या करना है, फिल्टर करना है. सेलेक्टिव का वर्ड मैं इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज नॉट ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स विल बी फिल्टर्ड हियर, ठीक है. कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स, बिकॉज यहाँ पे आप सेल्स की कंपोजिशन देख रहे हो ना, ये आपके पास स्मॉल सेल्स हैं जो कि कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स को पास करने देंगे और बाकी मॉलिक्यूल्स यहाँ से फिल्टर नहीं होंगे. सो पहला स्टेप आपके पास जो है वो फिल्ट्रेशन का स्टेप है. सो जो पोर्शन ऑफ प्लाज्मा यहाँ से आपके पास फिल्टर होके ट्यूब्यूल्स की तरफ जाना शुरू करेगा, इस पोर्शन को आप कहेंगे कि दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है. ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को फिल्टर करते हो तो जो आपके पास रिजल्टिंग मटेरियल आता है, जो रिजल्टिंग लिक्विड होता है, जो कि उस फिल्टर में से पास कर चुका होता है, आप उसको क्या कहते हो, दिस इज फिल्ट्रेट, ठीक है. सो ये जो आपके पास पोर्शन जो कि ग्लोमेरुलस से पास होके ट्यूब्यूलर पोर्शन तक आ चुका है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो कि अल्टीमेटली अब कहाँ पे जा रहा है, ट्यूब्यूल्स में जा रहा है, ट्यूब्यूलर पोर्शन की तरफ. नाउ हमारा कंसर्न अभी सिर्फ यहाँ तक है, इस पार्ट तक, कि हमने ये देखना है कि जो प्रोसेस यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, क्या वो ठीक हो रहा है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और ये हमने किस तरह से देखना है, बाय कंसीडरिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट. ये पहली ऑप्शन है. पहला मेथड क्या है, ग्लोमेरुलस के फंक्शन को असेस करने का, टू डिटरमिन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है. रेट का वर्ड आपको यहाँ पे ये चीज बता रहा है कि आपने ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन को रिलेट करना है विद टाइम, ठीक है. सो आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इज एक्चुअली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इज एक्चुअली अमाउंट यहाँ पे मैं कहूँगी वॉल्यूम को, ठीक है, बिकॉज जिस पोर्शन को ये फिल्टर कर रहा है वो लिक्विड इन नेचर है, प्लाज्मा ब्लड, ठीक है. सो मैं अमाउंट की जगह यहाँ पे वॉल्यूम भी लिख सकती हूँ. सो अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जिसको ग्लोमेरुलस, ये जो पार्ट है ग्लोमेरुलस पार्ट, जितने वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ प्लाज्मा को फिल्टर करता है पर यूनिट टाइम, वो आपके पास क्या होगा, इसका फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है. यानी आप इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो, इज वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच अ गिवन सब्सटेंस इज कंप्लीटली क्लियर्ड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. यानी सपोज इस टाइम आपके पास जो ब्लड वेसल्स ग्लोमेरुलस पोर्शन में आ रही हैं, इस पोर्शन तक आ रही हैं, इन ब्लड वेसल में कोई एक वेस्ट मटीरियल था, सपोज यूरिया था, ठीक है, कोई एक वेस्ट मटेरियल था. अब कितने वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा में से ये वेस्ट मटेरियल एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीटली रिमूव होगा. सपोज 1 ml ब्लड यहाँ से पास करता है और इस 1 ml ब्लड से मैक्सिमम ऑफ यूरिया ये क्या कर लेता है, फिल्टर कर लेता है और उसको प्लाज्मा को उस यूरिया से क्या कर देता है, पूरी तरह से क्लियर कर देता है, उस वेस्ट मटीरियल से क्या कर देता है, क्लियर कर देता है. तो इसको आप कहोगे कि दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉर यूरिया.
यानी सिंपली आप इसको अगर दोबारा डेफिनेशन को देखो तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच अ गिवन सब्सटेंस इज कम्प्लीटली क्लियर्ड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में एक खास वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा में से आपने एक सब्सटेंस को कम्प्लीटली क्लियर किया। ऑब्वियसली जितना जल्दी और जितने ज्यादा वॉल्यूम में से वो सब्सटेंस क्लियर होगी उतना ही ग्लोमेरुलस क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। और जितने कम वॉल्यूम में से जितने ज्यादा टाइम में आपके पास जो है वो क्लियरेंस होगी उतना ही आपके पास वो ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। यानी उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उसको एफिशिएंटली क्लियर कर सके प्लाज्मा में से, किसी वेस्ट को प्लाज्मा में से रिमूव कर सके, ठीक है। सो मैंने ये चीज बता दी है कि आप टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स की जो किडनी फंक्शनिंग है उसको असेस कर सकते हो बाय कंपेयरिंग देयर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बट जैसे अभी हम लोगों ने ये बात जो है ये पॉइंट रेज किया है कि एक हमने मिनिमम एक वैल्यू निकाल ली, एक नॉर्मल वैल्यू निकाल ली। किस तरह से निकाली कि 95% ऑफ द इंडिविजुअल्स के अंदर हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कैलकुलेट किया कि इसमें इन पर्सन के अंदर अगर हम सपोज एक नॉन वॉल्यूम लेते हैं, 1 ml लेते हैं, 2 ml लेते हैं, 3 ml लेते हैं प्लाज्मा का, तो किडनी कितने टाइम के अंदर जो है वो उसको कम्प्लीटली क्लियर करती है, ठीक है। कितने टाइम के अंदर उस प्लाज्मा को कम्प्लीटली क्लियर करेगी, इन वैल्यूज को देखते हुए, इन वैल्यूज को असेस करते हुए हमने एक नॉर्मल रेंज कैलकुलेट की एंड दिस रेंज इज 140 ml पर मिनट, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती, ठीक है। देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स बिकॉज एक इंडिविजुअल का बॉडी साइज दूसरे इंडिविजुअल से टोटली डिफरेंट है, एक इंडिविजुअल की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो दूसरे इंडिविजुअल से टोटली डिफरेंट है। सिमिलरली अगर आप एज का पैरामीटर लगाते हो तो एक पर्सन जो कि अपनी अडल्ट एज में है और दूसरा जो कि काफ़ी उसकी आप लेट लाइफ में अगर किडनी फंक्शन टेस्ट को देखते हो, सॉरी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को देखते हो, तो किडनी आपकी लाइफ के जो लास्ट पार्ट्स हैं उसमें उतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करते, उतना एफिशिएंटली फिल्टर नहीं करते जितना एक यंग इंडिविजुअल में करते हैं। सो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपकी रीडिंग्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो आप कह सकते हो कि इन फैक्टर्स को भी नलीफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इनिशियली साइंटिस्ट ने जब ये एक मेथड निकाला ग्लोमेरुलर फंक्शन को असेस करने का तो उस पर ये ऑब्जेक्शंस भी आए और इन ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करते हुए एक सलूशन ये किया गया कि आप बॉडी साइज के इफेक्ट को नलीफाई कर सकते हो। सपोज इफ यू आर कंसीडरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द टू इंडिविजुअल्स जिनकी एज ग्रुप सेम है, ठीक है, जिनके अंदर आप जो है वो सिम्टम्स जो देख रहे हो वो सेम है, सिर्फ डिफरेंस बॉडी साइज का आता है, ठीक है। सो बॉडी साइज के इफेक्ट को आप इग्नोर कर सकते हो बाय अप्लाइंग दिस कांस्टेंट व्हिच इज बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। बॉडी सरफेस एरिया क्या है कि आप एक नेट फैक्टर आपने निकाल लिया है कि एक जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, अगर आप 60-50 वेट के ऊपर बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हो तो ये आपने कैलकुलेट किया, एक कांस्टेंट कैलकुलेट किया, और जितने टाइम आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट करोगे आप उस वैल्यू को इस बॉडी सरफेस एरिया पे डिवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल आपने पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकाला और ये आपने कैसे निकाला, अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड पर यूनिट टाइम। सपोज वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जो इस टाइम क्लियर हो रहा है वो मेरे पास है 10 ml और ये क्लियर हो रहा है इन 2 मिनट्स, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, 10 ml डिवाइडेड बाय 2 मिनट्स, जो आंसर मेरे पास आएगा 5 ml पर मिनट विच इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको मैं डिवाइड करूंगी 5 ml पर मिनट को विद 1.73 m², ठीक है। इससे क्या होगा कि इन दोनों इंडिविजुअल्स के अंदर जो बॉडी सरफेस एरिया का डिफरेंस है उसको कांस्टेंट अप्लाई करके मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। सो अब जो आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आएगा इट विल बी फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया,
ठीक है, इस वेरिएबल के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आपने क्या किया, कांस्टेंट अप्लाई कर दिया. सो इस तरह से आप सेम एज ग्रुप्स के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. ये कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए. ठीक है, ये एक तरीका था ग्लोमेरुलर फंक्शन को असेस करने का, ये एक मेथड था. लेकिन ऑब्वियसली इससे ज्यादा भी कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं. नाउ सेकेंड मेथड इज डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन. आज सिर्फ मैं आप लोगों को सीरम क्रिएटिनिन के बारे में बताती हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज दिस सीरम क्रिएटिनिन टू डिटरमिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ठीक है, पहले जो हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किया वो हमने नॉर्मली किया, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक वेस्ट मटीरियल को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्रिएटिनिन को वो कितना क्लियर करता है एक मिनट के अंदर या एक यूनिट टाइम के अंदर. ठीक है, सो अब हम एक स्पेसिफिक वेस्ट मटेरियल की बेस पे या स्पेसिफिक आपका जो मॉलिक्यूल है उसकी क्लियरेंस को देखेंगे. ठीक है, ऑब्वियसली देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जिनकी क्लियरेंस के लिए किडनी को कम टाइम लगेगा, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जिनकी क्लियरेंस में किडनी को ज्यादा टाइम लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन कि क्या वो प्लाज्मा में ज्यादा क्वांटिटी में है कम क्वांटिटी में. सो विद रिस्पेक्ट टू एनालाइट और मॉलिक्यूल भी आपने क्या करना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिटरमिन करना है. समझ आए इस बात की? उसमें आपने प्रीवियस केस में कंप्लीट प्लाज्मा को देखा था, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ प्लाज्मा को देखोगे फॉर क्रिएटिनिन, बाकी मॉलिक्यूल्स को इग्नोर करोगे. ठीक है, और ये कैसे करते हैं ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी. अभी आप सिर्फ ये देखोगे कि ये क्रिएटिनिन है क्या, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना विद क्रिएटिन, जो कि आप लोगों से मैंने शायद बायोमार्कर्स में डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हाई एनर्जी एटीपी से एक फॉस्फोराइल ग्रुप को पिक करता है और कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिन फॉस्फेट में या फॉस्फोक्रिएटिन में, और एटीपी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एडीपी में. ठीक है, और जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट अपना फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को ट्रांसफर करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एटीपी में, और इट सेल्फ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिएटिन में, यानी रिएक्शन रिवर्स हो सकता है. सो ये जो क्रिएटिन है दिस इज अ मसल प्रोटीन. ठीक है, जो मसल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करती है, एटीपी की कंसंट्रेशन को क्या करती है, मेंटेन रखती है. बट जस्ट लाइक द अदर प्रोटीन्स, क्रिएटिन का भी कैटाबोलिक पाथवे है, क्रिएटिन का भी एक नॉर्मल लाइफ स्पैन है जिसके बाद इसकी डिग्रेडेशन होती है, इसकी ब्रेकडाउन होती है, और इसकी डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन से आपके पास जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, दिस वेस्ट मटेरियल इज क्रिएटिनिन. ठीक है, सो इट इज अ केमिकल वेस्ट जो कि क्रिएटिन मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस होता है. इट इज नॉट क्रिएटिन, बल्कि क्रिएटिन के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होने वाली वेस्ट प्रोडक्ट को आप कहते हो क्रिएटिनिन. ठीक है, और ये बॉडी में कहीं भी यूज नहीं होती, इसको आपने हमेशा एक्सक्रीट करवाना होता है. सो क्रिएटिनिन आपके पास ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनी में जाएगी, और किडनी का जो ग्लोमेरुलस है वो इसे फिल्टर करके क्या कर देगा, यूरिन में भेज देगा. सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीरम क्रिएटिनिन को देखेंगे कि कितने टाइम के अंदर ये सीरम से निकल के यूरिन में जाती है, उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट स्पेसिफिक फॉर क्रिएटिनिन इसको डिटरमिन करेंगे. तो बच्चों इस लेक्चर को आपने एक बार जरूर देख के आना, बिकॉज इसमें यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज आपको नेक्स्ट लेक्चर को समझने में बहुत हेल्प करेंगी.